नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप ग्रो ऐप के अंदर जब भी अपनी होल्डिंग सेल करते हैं तो आपको एक टीपिन की ज़रूरत होती है, वो टीपिन कैसे लेते हैं और अपनी होल्डिंग आप यहाँ पे कैसे सेल करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले ग्रो ऐप ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं ओपन करूंगा, अपना पिन यहाँ पे डाल लेंगे जो भी आप पिन रखने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा होल्डिंग का, आप ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपकी जो भी होल्डिंग रहेगी वो आपको शो करेगा और यहाँ पे जब भी आप होल्डिंग वेरीफाई करेंगे दोस्तों तो ये सारे स्टॉक आप बेच सकते हैं यहाँ से। तो नीचे एक ऑप्शन से देखिए वेरीफाई होल्डिंग, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद नीचे देखिए वेरीफाई यूजिंग टीपिन एंड ओटीपी, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको अपना टीपिन डाल देना है। यहाँ पे देखिए मैं अपना टीपिन डाल दूंगा। जैसे ही टीपिन डालेंगे आप यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे वेरीफाई के ऊपर। जैसे ही दोस्तों आप वेरीफाई करते हैं यहाँ पे तो आपको दो जगह ओटीपी सेंड किया जाता है, एक आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी रहेगी उस पे भी एक ओटीपी आएगा, एक आपके मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी आएगा। तो दोनों में से आप कोई सा भी ओटीपी यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद आप वेरीफाई करेंगे। अगर आपको ओटीपी नहीं आता तो यहाँ पे देखिए रीजनरेट करने का ऑप्शन आ रहा है, आप रीजनरेट भी यहाँ से कर सकते। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे ओटीपी आ चुका और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरीफाई का ऑप्शन है, मैं इसे वेरीफाई के ऊपर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखिए सीडीएसएल से हमने हमारी होल्डिंग वेरीफाई कर ली है, अब हम यहाँ पे कोई से भी हमारी होल्डिंग को सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे टीपिन से अपनी होल्डिंग वेरीफाई कर ली और यहाँ पे देखिए आज का प्रॉफिट हमें कुछ दिखा रहा है 7,000 के समथिंग। ऑल ओवर अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो 1,36,300 है। यहाँ पे दोस्तों हमें ग्रीन में एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। तो आज हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि सही टाइम पे सही डाटा लेके यहाँ से एग्जिट कर जाए और यहाँ से हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे अडानी ग्रीन से। और यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे पीरा मिल के अंदर कुछ टाइम में जो है हमें सब सही लगेगा, तो इसके अंदर दोस्तों हम हमारा पैसा डालेंगे, देन इसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने होल्डिंग वेरीफाई कर ली है। अब जैसे ही आप होल्डिंग वेरीफाई कर लेते हैं उसके बाद इस पोजिशन जो भी आपके स्टॉक रहेंगे उसमें से आप कोई सा शेयर भी यहाँ पे बेच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं एक शेयर आपको जो है सेल करके दिखाता हूँ, विनाइका के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, पे आप सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए ऐसे आपको सेल के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेल के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अभी आप क्वांटिटी दे सकते हैं, दोस्तों मेरे पास 1235 क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हम लोग एक शेयर बेचने वाले, तो देखिए आप यहाँ पे एक टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देगा, एक फर्स्ट में देखिए आपको यहाँ पे दिखाएगा कि भाई जो मार्केट का प्राइस चल रहा है या उसी पे बेचना है या आप कोई प्राइस लगाना चाह रहे हैं। अगर आप ऐसा छोड़ देंगे और सेल दबाएंगे तो मार्केट के अंदर जो भी प्राइस चल रहा होगा, देखिए यहाँ पे 140.80 चल रहा है, तो इस प्राइस पे ये बिक जाएगा। तो आपको लग रहा है कि भाई ज्यादा प्राइस आ सकता है तो आप लिमिट लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे लिमिट लगाना है, यहाँ पे देखिए 140.85 चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए मैं 90 लगा दूंगा और आपको यहाँ पे सेल ऑर्डर ऐसे प्लेस कर देना। देखिए सेल ऑर्डर प्लेस हो गया, आप यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर ऑर्डर सेल हो जाता है तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, बट अभी हमारा जो है आया नहीं है। तो जैसे ही ये आएगा तो स्टॉक यहाँ पे अपने आप सेल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देख लेते हैं अभी इसका रिसेंट प्राइस कितना चल रहा है। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं 141 आ चुका है, तो हमारा जो है स्टॉक सेल हो चुका होगा। तो यहाँ पे देखिए फिर पोजीशन में आएंगे, अभी देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पे आपका ऑर्डर लग चुका है। देखिए फिर मैं ऑर्डर के ऊपर जाऊंगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक स्टॉक यहाँ पे सेल हो चुका है। अभी दोस्तों जैसे ही आप स्टॉक यहाँ पे सेल करेंगे उसके बाद आप डिटेल देखने के लिए दोस्तों आप इस आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए ऐसे क्लिक करेंगे और जो भी आपकी पेमेंट रहेगी वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद आपको इसके ऊपर एक बार क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो भी आपकी पोजीशंस कटी होगी उसका 20% होल्ड हो जाता है, वो 20% आपको नेक्स्ट डे मिलेगा या रात को जो भी सेटलमेंट होगा वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो देखने के लिए आप यहाँ देखिए रिसीव इट फ्रॉम स्टॉक एफ फ्यूचर ऑप्शंस, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी जो क्या है, हमने यहाँ पे 140.90 में बेचा है और अभी हमें दोस्तों इसके 112.72 मिले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीवरी के अंदर 20% अमाउंट हमारा होल्ड हो चुका है। और डिटेल्स में बढ़ना चाहते हैं तो वाई के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे आपको बताएगा कि क्या कारण है जिसके कारण आपका जो 20% अमाउंट होल्ड होता है। तो दोस्तों ये जो 28 रुपए है ये अभी रात को आपको आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे अराउंड 10 बजे के, 10 PM पे आप देखना ये वाला पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों जो भी मैंने डिटेल्स बताई आप लोगों को सारी चीजें समझ आ गई होगी, फिर भी आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। चलिए मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, चलिए धन्यवाद।